हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, और एक बार फिर से स्वागत है द फैनेटिक ट्रैवलर पे। और आज हम हैं संकरी, उत्तराखंड में है ये। हम लोग हर की धुन ट्रैक के लिए निकलने वाले हैं, तो आगे रास्ते में और भी चीज़ें बताता रहूँगा क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा है और टाइम बहुत है। तो अभी हम सांकरी से तालुका के लिए निकल चुके हैं। तालुका का रास्ता बहुत ख़राब है, मतलब है रास्ता, नॉर्मल टैक्सीज मिल जाएंगी पर बहुत वेट करना पड़ेगा। रास्ता बन रहा है ना बीच बीच में, तो तीन जगह बदलनी पड़ती है। पहले गाड़ी लो 2 किलोमीटर, फिर चेंज, फिर दूसरा, फिर चेंज। अभी हम लोग थोड़ा पैदल जा रहे हैं क्योंकि गाड़ियां थी ही नहीं और लोग वेट बहुत कर रहे हैं, तो तालुका तक में भी हाइक करना पड़े और कोई शेयरिंग में ले जाए। चलते हैं। और कल हम सांकरी आए, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सांकरी तक कैसे पहुंचा जाए। तो सांकरी तक पहुंचने के लिए पहले दिल्ली से हमने देहरादून की बस ली, और देहरादून हम कल सुबह रात में 1:30-2 बजे पहुंच गए थे। और देहरादून से डेली बस चलती हैं सुबह 5:30 बजे, 6:30 बजे और 8 बजे। जो 5:30 और 6:30 वाली बस है वो प्राइवेट बस है, वो चलती हैं रेलवे स्टेशन के पास ही, एक जैन धर्मशाला है उसी के आगे प्राइवेट वाली बस खड़ी होती है, वहाँ पे जाके आपको लेनी होगी। एक मसूरी बस स्टैंड है, वहाँ से मिलती है 8 बजे वाली। और क्या था, सांकरी आके रुकना है आपको, दैट्स इट। और नहीं, दैट्स इट तो नहीं, बट सांकरी पे आके अपना एक नाइट स्टे करना ही पड़ेगा क्योंकि थक इतने जाओगे ना। डायरेक्ट दिल्ली से देहरादून, देहरादून से ये सांकरी, फिर कल रात हमने स्टे किया लगभग 700-750 रुपये, 2 लोगों का स्टे था। अभी आगे की डिटेल आगे दूंगा, चलते चलते थक गया हूँ थोड़ा, सांस कैच करनी है। बाय। तो तालुका यहाँ का लास्ट विलेज है और यहाँ पे हमने आराम किया, थोड़ी देर लंच वगैरह किया और उसके बाद शुरू होता है हमारा असली सफ़र हर की धुन के लिए। हर की धुन के लिए निकल चुके हैं। हर की धुन आज नहीं पहुँच पाएंगे, आज रुकेंगे हम लोग, आज कौन सा है, ओसला, आज ओसला विलेज पर रुकेंगे। ये पैच थोड़ा जल्दी जल्दी क्रॉस करना है क्योंकि अभी यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं, तो हम किसी तरह की घटना का शिकार नहीं होना चाहते। हालत ख़राब पर बचना भी है, तो फिर कोई हमारे गार्ड भी हमें छोड़ के चले गए, पता नहीं कहाँ है भाई। ट्रेल देखो कभी कैसा, ये पूरा वीडियो नहीं सर, उतरना थोड़ा इजी हो रहा है, जब चढ़ेंगे तो क्या हाल हो तुम्हें, देखते हैं आगे। तो तालुका से लगभग 3-4 किलोमीटर लगातार चलने के बाद में यहाँ हमने पहला अपना ब्रेक लिया, जहाँ 15-20 मिनट रेस्ट किया और उसके बाद वापस हम अपना शुरू हो गए ओसला के लिए।
अभी बहुत ज़्यादा रह गया, हालत ख़राब हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं और धूप भी बहुत तेज़ है। अभी थोड़ी छाव है वरना तो बहुत तेज़ है यहाँ पे। करीबन 5-6 घंटे या फिर ज़्यादा ही कह लो, टाइम का पता ही नहीं चला और इतना चल रही है, हालत ख़राब हो रखी है। अभी ये आ गया है, कौन सा विलेज है पुष्पेंद्र? ये गंगाड़, गंगाड़ विलेज है ये, हीरा। तो अगर कोई आता है तो वो रुकना चाहे तो यहाँ भी रुक सकता है, यहाँ पे रुक सकते हैं आप लोग। पर हम लोग जा रहे हैं ओसला, जो यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर है। और भाई सच में बहुत टफ लग रहा, मेरे को तो टफ लग रहा है। पुष्पेंद्र का पता नहीं, पुष्पेंद्र टफ है इजी? बहुत ज़्यादा वॉकिंग करनी पड़ती है, लोग जितना सोच के आते हैं उससे बहुत ज़्यादा वॉकिंग है, इतना ही है इनका, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। See you guys, see you। This is Gangad village behind me और ओसला भी इस तरफ है, लगभग 4 किलोमीटर दूर, जिसे पहुँचने में 2 घंटे और लग जाएंगे। 5 बज चुके हैं और अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा हमें। बच्चे जा रहे हैं, बच्चे तो गाइज़ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है और आगे की कहानी अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक इट, और अगर अच्छी लगी हो तो डू शेयर, सब्सक्राइब और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा।